गुड मॉर्निंग। हायर परचेज सिस्टम से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस व्हेन इंस्टॉलमेंट इज गिवन। अ मशीनरी इज टेकन अंडर द हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹2,500 टू बी पेड एज फॉलोज। 2500 रुपया में हायर परचेज सिस्टम में लिया गया है मशीन को, जिसको पे किया जा रहा है। डाउन पेमेंट है 400, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 600, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 400, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1100। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन 2500 बीइंग चार्ज ऑन द कैश वैल्यू एट 10% पर एनम। यानी कि ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 10% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि जितने भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं सब में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है जो कैश वैल्यू के साथ चार्ज हुआ है। पास जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन 5% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, जब ये टॉपिक आता है और हम लोगों को कैश प्राइस पता नहीं रहता है तो मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बायबैक मेथड से कैश प्राइस निकालते हैं, यानी कि सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट से जाते हैं और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचेंगे और उसके बाद हम लोग उससे कैश प्राइस निकालते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट से। इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहेगा। थर्ड ईयर 1100 है एज पर एज क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग परसेंटेज बाई 100 करते थे, लेकिन जब कैश प्राइस निकालना होगा तो परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 110। तो 1100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 110, इंटरेस्ट निकल गया 100। इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट डाले। इंस्टॉलमेंट हम लोग को पहले से पता है वो 1100 है, 1100 में से इंटरेस्ट माइनस किए, मेरा कैश आया 1000, यानी कैश प्राइस 1000। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 400 है, उसमें फर्स्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर का जो 1000 कैश है उसको ऐड किए। 1400 का 10 डिवाइडेड बाई 110, 127। 400 इंस्टॉलमेंट है, 400 से इंटरेस्ट 127 को माइनस किए, 273 कैश। फिर फर्स्ट ईयर में पहुंचे, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है 600, जबकि 273 और 1000 कैश प्राइस है थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का। ये दोनों को ऐड किए और ये आ गया 1873। इसका परसेंटेज डिवाइडेड बाई 110, 170.27, 170 लेंगे हम लोग। 600 से 170 माइनस किए, 430 इज द कैश प्राइस। देन डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट सबसे स्टार्टिंग में दिया है, डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, 400। अब इसका टोटल करते हैं तो इंटरेस्ट का टोटल हुआ 397, कैश का टोटल हुआ 1203 और इंस्टॉलमेंट 2500। जबकि इसके नीचे देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, ये आप लोग भी बनाओगे तो इजी होगा पोस्टिंग करने में। टेबल शोइंग ईयर वाइज डिटेल, ईयर वाइज डिटेल इसलिए क्योंकि हम लोग ऊपर उल्टा कैलकुलेशन किए, यहाँ सीधा हो जाएगा। फर्स्ट ईयर डाउन पेमेंट 400, फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट 170, 430 कैश, इंस्टॉलमेंट 600। सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट 127 इंटरेस्ट, 273 कैश, 400 इंस्टॉलमेंट। थर्ड ईयर 100, 1000, 1100। चीज वही है, बस इसको एक ईयर वाइज यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड में जाएंगे, ऊपर एंड टू बिगिनिंग गए थे। अब हम लोग आते हैं जर्नल एंट्रीज में। जब हम लोग जर्नल एंट्रीज का बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर 6 एंट्री होगा और बाकी ईयर 4 एंट्री होगा। देखते हैं कैसे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। फर्स्ट ईयर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 1203 कैश प्राइस ऑफ द मशीन बिंग द क्रेडिट परचेज। आप लोग ये भी लिख सकते हो बिंग द मशीनरी परचेज ऑन हायर परचेज मेथड, सेम नरेशन चलेगा। सेकेंड एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, 400 डाउन पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 600 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मशीनरी के प्राइस पे 120। फिर सिक्स एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देन सेकेंड ईयर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, सेकेंड ईयर में फर्स्ट दो एंट्री नहीं होगा, यानी कि डाउन पेमेंट और एसेट्स परचेज करने का एंट्री नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट ड्यू करने से होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 127। देन
हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश बिंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड 400, देन डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 108 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ये तो आप लोग निकाल सकते हो, इसलिए इसका वर्किंग नोट मैंने नहीं दिया है, आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दोनों को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। देन थर्ड ईयर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बिंग द इंटरेस्ट ड्यू 100, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग द थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड 1100, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 98 डिप्रिसिएशन चार्ज किए मशीनरी पे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डिप्रिसिएशन 198, यानी कि 100 प्लस 98 198। एक बार इसको पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए। पॉइंट टू बी नोटेड, हमेशा याद रखिएगा कि केवल फर्स्ट ईयर में 6 एंट्री होगा, बाकी में 4 एंट्री होगा, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड, डेप्रिसिएशन चार्ज और ट्रांसफर टू पीएल। थैंक यू।